पद में सब रो रहे हैं भाई, चार चार बेटे हैं हमारे महाराज के। लेकिन दो अपने मामा के घर में हैं, कैके देश में, जम्मू कश्मीर की यात्रा में जा रखे, और दो वन में हैं। तो देख लो, चार होते हुए एक भी नहीं था पास। इसलिए इस अहम में मत रहना कि मेरे पांच छह हैं तो शायद आखिरी में कोई नजदीक रह जाए, कोई जरूरी नहीं। इसलिए वशिष्ठ जी ने राम लखन को वापस बुलाने के लिए नहीं, जो मामा के घर में गए हैं भरत जी शत्रुघ्न के साथ, उनको बुलाने के लिए भेजे हैं, सेवक भेजे हैं, राजभवन से दूत भेजे। तो वो लोग गए हैं, तो अब भरत जी का प्रवेश। तो एक निवेदन है हमारा कि भरत जी साक्षात प्रेम है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी के चरित्र को बोलने में हाथ खड़े कर दिए हैं। भरत के चरित्र को कोई बोल नहीं सकता है, इसलिए जब भरत का चरित्र शुरू हो तो उसे सुनने के लिए सभी को तैयार हो जाना चाहिए। और भरत के चरित्र को केवल राम ही बोल सकते हैं। इसलिए जब जीवन में राम का भाव जागृत हो तो भरत जी के बारे में कुछ शब्द निकल सकते हैं। इसलिए ये साक्षात प्रेम है। जब ये आया है तो इस उम्मीद से आया है कि सबसे पहला दर्शन मैं राम का करूँगा, और इस उम्मीद से आया है कि मेरा राम जब देखो, जब भी राम को ढूंढो, जब भी राम को आवाज लगाओ तो कैके के भवन से ही उत्तर मिलता है, हां भैया मैं यहां हूं। जब जब दशरथ जी आवाज लगाते राम, आवाज आती है पिताश्री मैं मां कैके के भवन में हूं। इसलिए भरत जी ने, क्योंकि भरत के जीवन का लक्ष्य राम है, इसलिए भरत जी ने यह निर्णय लिया कि मुझे अवध में जाकर के सबसे पहले राम का ही दर्शन करना। सुन रहे? वैसे अवध राम के लिए ही है, नहीं? अवध का और राम का अन्योन्याश्रय संबंध है, इसलिए अवध राम के लिए ही है और अवध राम के लिए ही रहना चाहिए। यह हमारा भी निवेदन है। इसलिए अवध में जब भरत जी आए हैं तो राम को देखना चाहते हैं, इसलिए कैके के भवन में प्रवेश किया है। लेकिन जब राम नहीं मिला और कैके खड़ी हुई भरत के सामने, तो बड़ा अटपटा लगा है भरत जी को। भरत जी की आंखें राम को खोजने लगी उस भवन में, और भरत जी ने यह स्पष्ट कहा है कि मां मुझे यहां सब सोना दिख रहा है, मां मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब सीधा सा है कि राम नहीं दिख रहा। क्या बात हो गई मां? क्योंकि भरत जी ने सीधा ऐसा भी नहीं बोला कि मेरा राम कहाँ है, क्योंकि भरत जी ने सोचा कहीं कुछ बोल दिया राम के लिए कि नहीं है यहां तो मैं तो मर ही जाऊंगा ना, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे ना। इसलिए ऐसा नहीं बोला कि मेरा राम कहाँ है, लेकिन ऐसा जरूर बोला कि मां मुझे यहां अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, ये सब सुना सुना क्यों है मां? क्योंकि जीवन में हरियाली तभी आती है जब मेरे राम का मुझे दर्शन होता है। कैके ने कहा भरत सब ठीक हो गया था बेटा, लेकिन तेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया,
तो भरत जी ने कहा कि मेरे पिता का स्वर्गवास क्या कहती है मां, क्योंकि मेरे पिता तो वास्तविक पिता थे और वास्तविक पिता है, और वास्तविक पिता वो होता है जो बेटे को राम के हाथ पे पकड़ा देता है, अपने पुत्र को राम के हवाले कर देता है। और मुझे अपने पिता से ये पूरी उम्मीद थी कि वो मेरा हाथ राम के हाथ पर जब तक नहीं पकड़ाएंगे तब तक मेरे पिता मेरे जीवन से अलग नहीं होंगे। इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पिता ने मेरा हाथ राम को नहीं पकड़ाया और वो पहले ही प्राण छोड़ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तात तात हाथ तात पुकारी, परऊ भूमि तल व्याकुल भारी। सुन रहे हो क्यों रोए पिता के लिए? इसलिए रोए कि मेरे पिता ने मुझे राम को दिया ही नहीं, ऐसे कैसे चले गए। दर्द राम का है, रोना राम के लिए है, प्रेम राम से है। अगर पिता का नाम लिया है तो इसलिए लिया है कि उस पिता ने मुझे राम के हाथ पे जब 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 पहुंचाया ही नहीं तो वो पिता मेरे जीवन से क्यों निकल गया, कैसे निकल गया, मुझे जवाब दो। तो कहा कैकेयी ने सारी बात रखी कि ऐसा हुआ, मैंने मंथरा ने मेरी मदद की और मैंने राम के लिए तेरे लिए राज मांग दिया और राम के लिए वनवास मांग दिया, राम को वन भेज दिया और उस दुख में तेरे पिता ने शरीर छोड़ दिया। तो बोलो जरा, भरत जी को जब ये तीर लगा होगा नहीं, क्या स्थिति हुई होगी उस प्रेमी की? नहीं, राम बन चला गया है। वैसे भरत जी जीवित नहीं रहते, क्योंकि बन चला गया है तो मिलने की उम्मीद तो है। क्यों? मुझे लगता है इसलिए भरत जी के प्राण नहीं मिलते, क्योंकि बन गया है ना भैया, गया बन में गया है तो कभी ना कभी मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि अब नहीं मिलेगा, और फिर समय सीमा भी है कि 14 साल के लिए गया है, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा के लिए गया है। 14 साल के लिए गया है इसका मतलब उसका पता भी लगता रहेगा कि वो कहाँ है, क्योंकि जब वापस आना है तो उसका पता लगता रहेगा। इसलिए प्राण नहीं निकले हैं, नहीं तो मेरे भाई बहनों भरत जी का तो ऐसा प्रेम है राम से कि वो तो राम के बगैर जीवित नहीं रह सकते। तो भरत जी ने एक बार तो अपनी माँ का गला दबाने के लिए प्रयास भी किया। हाँ, अरे बोला अब किस बात की माँ है, क्योंकि माँ माँ तब है जब वो बेटे को राम से मिलाए। इसलिए हमने इस पे पहले चर्चा की, जो लोग पहले नित्य कथा सुन रहे हैं उनको पता है भाई माँ 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 भगवान है, भगवान के बराबर है, लेकिन कब है? जब वो भगवान से मिलाए। अगर वो माँ भगवान से नहीं मिलाती है तो भगवान कहाँ से है? उस माँ से हमें क्या लेना? लेकिन फिर बाद में सोचा कि ये समाचार वहाँ पहुँच जाएगा, राम के पास पहुँच जाएगा, क्योंकि राम तो वन में है कि भरत ने माँ का गला दबाया, और फिर वो वहाँ से भी चला जाएगा और मुझे कभी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। मुझे राम चाहिए, मुझे राम। तो यहाँ से भरत जी का रोना शुरू हुआ है, अपनी ओर देखा है भरत। यहाँ पर वो भी आई है मंथरा, उसको शत्रुघ्न जी ने दंड दिया है, क्योंकि जो अति पाप करते हैं उनको अगले जन्म में दंड मिलेगा ऐसा नहीं, उनको इसी जन्म में दंड मिल जाता है, क्योंकि अति का फल यही है, उन्हें प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। आप अति अच्छा कर्म करोगे तो यही, अति खराब करोगे तो यही। तो तब भरत जी ने कौशल्या से संबंध जोड़ा है, मतलब संबंध जोड़ने की छूट है आपको, और
उस व्यक्ति से अपना संबंध जोड़ो जहां से तुम्हें ऐसा लगे कि यहां से मुझे राम मिल सकता है। समझ रहे हैं? संबंध बनाने की छूट है, आप संबंध बनाइए, लेकिन उससे बनाइए जिससे तुम अपना संबंध राम से जोड़ सको। ये तो कौशल्या जी का तो प्रेम अगाध है भाई, उसको तो भरत में और अपने राम में कोई भेद ही नहीं दिखता। इसलिए कौशल्या ने तो जैसे भरत आया तो ऐसे ही हृदय से लगा दिया, बेटे बेटे अब नहीं मरूंगी मैं, अब मेरे प्राण नहीं निकलेंगे मेरे पुत्र, क्योंकि अब मेरा राम मेरा भरत आ गया है। समझ रहे हैं? मतलब राम जैसे राम यानी भगवान, तो भगवान की माँ सब तो नहीं बन सकती।